कितना समय लगा इस रावण के पुतले को बनाने? दो महीने लगे। कितने कारीगर थे इसमें? 25 कारीगर। इतना बड़ा क्यों बनाया गया? देश के लिए बनाया। हर साल रामलीला को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी रहती है, तो वहीं बात करें दिल्ली में पहले नंबर पर लाल किले की रामलीला लवकुश रामलीला होती है, वहीं दूसरे नंबर की अगर बात करें तो द्वारका सेक्टर 10 के रामलीला ग्राउंड में रामलीला की बात होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक रावण की फ़ोटो तेज़ी से वायरल हो रही है, उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ। सेक्टर 10 का ये रामलीला ग्राउंड है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर रावण की जो पुतला है वो यहाँ पर अभी लगा दिया गया है। हालांकि इसे बताया जा रहा है कि ये 211 फीट का है और जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोग अपने स्टेटस पे लगा रहे हैं, अपने प्रोफाइल पे लगा रहे हैं। और इस रावण के पुतले को बनाने में कितनी कुछ मेहनत लगी है, क्या खास है इसमें और कितने लोगों की मजदूरी के साथ साथ यहाँ पे जो ये तमाम जो कलाकार हैं जिन्होंने ये रावण का पुतला बनाकर तैयार किया गया है, क्या नाम है आपका? राकत। कितना समय लगा इस रावण के पुतले को बनाने? दो महीने लगे। कितने कारीगर थे इसमें? 25 कारीगर थे। मतलब कितनी मेहनत लगी है और इतना बड़ा बनाने का मकसद क्या था? बहुत मेहनत लगी। इतना बड़ा क्यों बनाया गया? बस देश के लिए बनाया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बहुत मेहनत लगी है, लगभग एक महीने की पूरी मेहनत आपने करी है, उसके बाद तैयार किया है, क्या कहेंगे? भैया पार्टी वालों ने कही थी 211 फुट का बनना चाहिए। 211 फीट का बनना चाहिए, तो कितना समय लगा था इसको बनने में? दो महीने लगे थे। तो आपने सुना कि लगभग 2 महीने का समय लगा है और इस रावण के पुतले को बना के खड़ा किया है। ये रामलीला मैदान की अगर बात करें तो ये अपने आप में बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे पिछले जो रामलीला थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आके उन्होंने शिरकत की थी और इसके बाद ये जो रामलीला मैदान है हमेशा सुर्खी में रहता है और इस बार जो रामलीला है वो बेहद ही खास है। एक बार तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरह से जो तैयारियाँ हैं रामलीला की वो शुरुआत हो चुकी है और ऐसा जो बताया जा रहा है लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पे जो दर्शक है वो यहाँ आएंगे और तैयारी भी आप जोरों शोरों से देख सकते हैं। मंच है वो बन के तैयार हो रहा है, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो जो जिस तरह कुर्सियाँ लगी हैं उससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग आएंगे। और ये दिल्ली के दूसरे नंबर पर रामलीला के लिए फेमस है और साथ ही साथ आपको बता दूँ अभी तो रावण का यहाँ पे, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जब रामलीला होती है उसके बाद ही रावण का पुतला लगाया जाता है, लेकिन यहाँ द्वारका के रामलीला ग्राउंड में अभी से ही ये जो रावण का जो पुतला है वो लगा दिया गया है। 211 फीट का है, 2 महीने का समय लगा है। हालांकि अभी कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है वो अभी बन रहा है, वो उसको 20 फीट का बनाया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो रावण का जो पुतला है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो ऐसे में अब जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही हैं। अब ऐसे में कितना कुछ खास होगा क्योंकि कल से ही जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं और रामलीला का भी शुरुआत हो जाएगी, तो ऐसे में अभी जो मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो कितना खास रहेगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।